अरे टुडे विल टेक टू योर बॉस ऑल्सो चलो क्या करना अभी अशोक जी का चलो ठीक है किस तरह आज हो रहे अरे 2 मिनट का करना है तेरा भी अलग ही चलता है नहीं जम रहे हमको इसमें चल भाई बीच में हाथ दीद मत माल सर अरे क्या है ऐसा मत बोला इन लोगों ने चढ़ाया किधर भाई छाता निकाल मजा नहीं साहब सर इधर सर जरा पानी का भी ये ले लो बहुत काम किया इन लोगों ने यहाँ पर बीएमसी वालों का शुक्रिया यहाँ के जो स्थानीय लोग रहने वाले हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जितने सारे बाइट नहीं है बाइट बाद में होगा बस वो कॉर्नर हाँ बस अंदर करेंगे सर 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 क्या साइड लगाना सर लुक ये जी सर तो मैं कह रहा था कि बीएमसी का जो इनिशिएटिव है वंडरफुल अच्छा नहीं मैं बोलने तो दो मुझे हाँ ठीक है अच्छा चलो लगा दो माइक अरुण इधर लगाना है ये उधर लगाते हैं सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मुंबई में ताऊके तूफान के बाद बहुत सारे पेड़ उखड़ गए थे और ऐसे में सेलिब्रिटी को रोप इन किया गया है जहाँ जहाँ पेड़ गए हैं उखड़ गए हैं वहाँ पर सेलिब्रिटीज को जिम्मेदारी दी गई है क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर आई थिंक ये जो बीएमसी की मुहिम है ये 340 पेड़ जो इस एरिया में गिरे थे उनको वापस खड़ा करना ना केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि हमारा धर्म भी है और नॉट ओनली एज ए सेलिब्रिटी बट एज ए रेजिडेंट और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और दिस सिटी इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरीबडी टू प्लांट हम चूँकि लोगों की
नज़रों में होते हैं, लोगों फिल्में की हैं, तो इसलिए कभी कभी शायद प्रेरित होकर लोग हमारे तरह काम करें। बट इस खासकर इस एरिया की खासियत ये है कि यहाँ पेड़ जो हैं ऐसा महसूस नहीं कराते कि आप मुंबई में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। एंड जितने ज़्यादा लोग हैं, अगर 340 पेड़ गिरे हैं तो कम से कम 680 पेड़ तो लगने चाहिए। और हमारे विश्वास मोटे जी जो यहाँ पर इस एरिया के असिस्टेंट कमिश्नर हैं BMC के, एंड द रेजिडेंट्स ऑफ दिस प्लेस एंड द काउंसलर मैडम ऑफ दिस प्लेस हैव डन ए ग्रेट इनिशिएटिव। हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, हमको आना चाहिए सामने बढ़ आके, अपने हाथों से मिट्टी लगानी चाहिए। ये बेशक सिम्बॉलिक जेस्चर है, बट ये सिंबॉलिक जेस्चर लोगों को प्रेरित करेगा कि इस तरह का काम किया जा सके। आपके घर के सामने भी एक बहुत बड़ा पेड़ था जो गिर गया था, और अनिल कपूर जी वहाँ पर आए थे जी इसी तरह की एक मुहिम में। जी सबको आना चाहिए, अभी अनिल को भी आना चाहिए, नॉट ओनली इन दिस एरिया, आई एम रेडी टू गो टू इन एनी अदर एरिया जहाँ पेड़ गिरा है। ये क्षेत्र बेशक मेरा है, मगर ये सिटी मेरी है, ये कंट्री मेरी है, तो इस एरिया में कहीं भी विश्वास भी आपको अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो हमारे रहते हुए अगर लोगों को इसका प्रोत्साहन मिले तो बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई है अब जिस तरह से तूफान की वजह से ढेरों सारे पेड़। आज 12 जून है, हमने 17 मई को जो साइक्लोन का जो रूप देखा आप सभी ने, तो उस रूप के दौरान बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, तो उसमें इसको कैसे रिकवर किया जाए, इसको जो लॉस हुआ है, लॉस तो बहुत ही हुआ है, लेकिन कैसे उसको रिकवर किया जाए, ये जब हमने सोचा, पहले 3-4 दिन तो हम पूरे रास्ते क्लियर करने में ही लगे हुए थे, और आज भी अगर देखेंगे तो कुछ ट्रिमिंग अभी भी बाकी है, क्योंकि इतना सवा ढेर सारे पेड़ गिर गए हैं, तो इसको लॉस को रिकवर करने के टाइम पे अर्बन में स्पेसेस कम है, तो इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज किया जाए, दैट इज़ वी हैव स्टार्टेड द कैंपेन अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पिट, बी अ गार्डन ऑफ नेचर, बी अ गार्डन ऑफ एनवायरमेंट। तो उसमें पॉइंट ये है कि हमने इसमें ये चाहा था कि जो रेसिडेंट है आजू बाजू में, वो रेसिडेंट वो सामने आएंगे तो अथॉरिटी तो अपना काम कर ही रही है, करेगी, हमेशा करती रहेगी, हमारी ड्यूटी ही है, लेकिन जब पब्लिक पार्टिसिपेशन या रेसिडेंट पार्टिसिपेशन होता है तो उसमें एक ये पेड़ को अच्छे तरह से एकदम बच्चे तरह से पाल सकते हैं, एंड सेंस ऑफ ओनरशिप जो है, सेंस ऑफ बिलोंगनेस, कि ये मेरा एरिया है, सर ने जैसे बोला ये मेरा एरिया है, तो मेरा जो है, मेरा अपनापन, ये काफ़ी पेड़ को अच्छी तरह से उगा सकता है, उसको केयरिंग कर सकते हैं, तो यही इसलिए रेसिडेंट ने सामने आना है, और हमको बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं थैंक यू बोलूँगा सर को, सानिया मैम को, सबको, ही सभी को, कि ये मुहिम में अनुषा मैम है मेक अर्थ ग्रीन अगेन फाउंडेशन के माध्यम से, शान जी है या अपने वृक्ष नर्सरी के माध्यम से, तो सभी ये टीम वर्क है, ये कोई एक दूसरे का नहीं है, तो ये जो टीम स्पिरिट बना हुआ है, एक टीम स्पिरिट से जल्दी हम जिस हमेशा बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन अपना एक छोटी छोटी चीज़ स्टेप्स करके हम जो बढ़ रहे हैं उसमें बहुत बहुत रिस्पांस मिल रहा है। मैं सभी आपका धन्यवाद बोलूँगा। थैंक यू सर। आप लोगों का जो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द पीपल बिहाइंड द कैमरा, द जर्नलिस्ट हु आर कवरिंग दिस, बिकॉज आपके बगैर ये मुहिम कहीं आगे बढ़ती नहीं है। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आप लोगों का करना चाहिए कि आप ये जो इनिशिएटिव है इनका या हमारा, ये आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, बारिश में, तूफान में, तो आप लोग महान हैं, आप लोगों की जय हो। सानिया जी, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। दादा आ जाओ, सॉरी नहीं नहीं मेरे नहीं, उसके प्रेम में आया, मेरे प्रेम में नहीं, सॉरी ये बाबा सॉरी ना। अगर फाल किसी के अंदर डालेगा ना तो उसके छेद हो जाएंगे छाती में। लगाया तो मैंने आज तक ले रहा है एक फोटो। चलो थैंक यू, चलिए हो गया भाई। चलो दोस्तों,